ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ से पृथ्वी के औसत तापमान में 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 400 सालों में तापमान इतना नहीं बढ़ा जितना 20वीं शताब्दी में बढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वायु प्रदूषण पृथ्वी के वायुमंडल में एक मोटे कंबल की तरह जमा हो रहा है, जिसमें सूर्य की गर्मी किल हो जाती है और फलस्वरूप पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। प्रदूषण पैदा करने वाले प्रमुख स्रोत हैं कोयला, गैस और तेल। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र और मोटर गाड़ियां सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पैदा करते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए जिससे प्रदूषण न बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर अधिक तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र स्तर बढ़ रहा है। अगर इसे समय रहते नियंत्रित न किया गया तो तटीय इलाके और बहुत से द्वीप डूब सकते हैं। गर्मी, सूखा, बाढ़ और बीमारियां बढ़ जाएंगे और इसका असर सभी पर होगा। ब्लैक होल क्या है? सामान्य सापेक्षता में एक ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल में एक तरफी सतह होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, जिसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इसे ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। थर्मोडायनामिक्स ने ठीक एक आदर्श ब्लैक बॉडी की तरह ब्लैक होल का क्वांटम विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनमें तापमान और हॉकिंग विकिरण होता है। अपने अदृश्य भीतरी भाग के बावजूद एक ब्लैक होल अन्य पदार्थों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकता है। एक ब्लैक होल का पता तारों के उस समूह की गति पर नजर रखकर लगाया जा सकता है जो अंतरिक्ष के खाली दिखाई देने वाले एक हिस्से का चक्कर लगाते हैं। वैकल्पिक रूप से एक साथ ही तारे से आप एक अपेक्षाकृत छोटे ब्लैक होल में गैस को गिरते हुए देख सकते हैं। यह गैस सर्पिलाकार में अंदर की तरफ आती है, बहुत उच्च तापमान तक गर्म होकर बड़ी मात्रा में विकिरण छोड़ती है, जिसका पता पृथ्वी पर स्थित या पृथ्वी की कक्षा में घूमती दूरबीनों से लगाया जा सकता है। इस तरह के अवलोकनों के परिणाम स्वरूप यह वैज्ञानिक सर्वसम्मति उभर कर सामने आई है कि यदि प्रकृति की हमारी समझ पूर्णतया गलत साबित ना हो जाए तो हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का अस्तित्व मौजूद है। उल्कापात क्या है? आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा लूका कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। प्रायः प्रत्येक रात्रि को उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, किंतु इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या अत्यंत अल्प होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं, दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों इत्यादि के संगठन और संरचना के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये ही पिंड हैं। इनके अध्ययन से हमें यह भी बोध होता है कि भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांड विद्या और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।